हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सोयाबीन का कबाब। ये कबाब खाने में बहुत टेस्टी होता है, झटपट बन भी जाता है। आइए देखते हैं कैसे बनता है सोयाबीन का कबाब। सोयाबीन का कबाब बनाने के लिए 1 कप सोयाबीन को गर्म पानी से धो के गुनगुने पानी में भिंगा दिए थे। सोयाबीन फूल गया तो इसे हम पानी से बाहर निकाल लिए। 1/2 कप चना दाल को धो के पानी में भिगा दिए थे। अब ये दाल को हम पानी से बाहर निकाल लिए हैं। कुकर में सोयाबीन को डाल देंगे, चना दाल को भी डाल देंगे, कुकर में पानी डाल देंगे, 2-3 तेज पत्ता डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 5 पीस सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 पीसा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। सब चीजों को मिक्स कर देंगे। कुकर में ढक्कन लगा देंगे, 5 सीटी तक लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। कुकर 5 सीटी ले लिया है, गैस को बंद कर देंगे। कुकर से प्रेशर निकल गया है, सोयाबीन दाल को धो लेंगे। दाल सोयाबीन में पानी बिल्कुल नहीं है, ये सूख गया है। अगर इसमें पानी रहता तो इसको गैस चालू करके पानी को सुखा देते, लेकिन ये पक के सूख गया है। सोयाबीन दाल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें जो तेज पत्ता है उसे निकाल देंगे। सोयाबीन दाल ठंडा हो गया है, इन्हें पीस लेंगे। सोयाबीन पीस गया है, इसे निकाल देंगे। सोयाबीन दाल को 2 बार में पीसे हैं। 1/2 चम्मच से कम नमक डालना है, नमक पहले भी हम डाल चुके हैं, इसमें कम डालना है। 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, कटा हुआ अदरक डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, 1 बड़ा साइज का प्याज काट के रखे हैं हमने, इसे भी डाल देंगे, हरी धनिया काट के रखे हैं इसे भी डाल देंगे, सरसों का तेल डाल के इन्हें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, हाथ में आयन लगा के इसका टिकिया बना लेंगे। इस तरह हाथ से दबा के टिकिया को बना लेंगे, बाकी टिकिया को भी इसी तरह से बना लेंगे। सब टिकिया बन के रेडी है, इसे साइड में रखते हैं। गरम है, इस पे आयल डालेंगे। आयल गरम है, इसके कबाब को फ्राई करेंगे। कबाब को पलट देंगे। कबाब को पलट लिए हैं, अभी इन्हें हल्का हल्का दबा के फ्राई करेंगे। कबाब दोनों तरफ अच्छे से फ्राई करेंगे। सोयाबीन का कबाब खाने के लिए रेडी है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, झटपट बन भी जाता है। दाल चावल रोटी के साथ खाइए तो बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।